देखो ये क्वेश्चन देखिएगा, क्वेश्चन नंबर 15। इससे पहले मैंने क्वेश्चन नंबर 16 समझा दिया था। अब आप कहोगे ये आप कैसे कर लेते हो। एक्चुअल में जब मैं क्वेश्चन सॉल्व कराता हूँ तो जो क्वेश्चन मेरे हाथ में पहले आ जाता है उसी को मैं पहले सॉल्व करा देता हूँ। तो ये क्वेश्चन आपके सामने ये था कुछ इस तरीके का, ठीक है। अब आपसे जो पूछ रहा है इस वाले क्वेश्चन के अंदर, क्वेश्चन नंबर 15 में आपसे कह रहा है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव ऑफ मिनिमम फ्रीक्वेंसी। ऐसी कौन सी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है जिसकी फ्रीक्वेंसी मिनिमम है, और ये क्वेश्चन 2022 के अंदर पूछा जा चुका है। 2024 में बहुत इंपॉर्टेंट रहेगा ये क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम से। अब आप देखिएगा, आपसे कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, कौन सा इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव नहीं है। सॉरी, ये वाला क्वेश्चन तो हाँ यही था इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का, लेकिन ये जो क्वेश्चन हम पढ़ने जा रहे हैं ये कह रहा है कि मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी है। तो आप यहाँ देखिएगा, मिनिमम फ्रीक्वेंसी ये जो वेव लिखी हुई है ये एक्चुअल में वेवलेंथ के इंक्रीजिंग ऑर्डर में लिखी हुई है। इधर जाने पर वेवलेंथ बढ़ती है, जब वेवलेंथ बढ़ेगी तो एनर्जी घटेगी और फ्रीक्वेंसी भी घटती है। जब एनर्जी घटती है तो फ्रीक्वेंसी भी घटती है। इट मीन्स जो इधर वेव है उनकी एनर्जी भी ज़्यादा है, उनकी फ्रीक्वेंसी भी ज़्यादा, बट वेवलेंथ क्या है कम है। तो ध्यान देना, आपसे पूछा था मिनिमम किसका, मिनिमम फ्रीक्वेंसी किसकी होगी। तो मिनिमम फ्रीक्वेंसी उसकी होगी जिसकी वेवलेंथ मैक्सिमम होगी। तो आप यहाँ से देखें वेवलेंथ मैक्सिमम की ये वेव्स दिखाई दे रही हैं आपको, माइक्रोवेव्स या फिर रेडियो वेव्स, ठीक है। इनकी ही फ्रीक्वेंसी सबसे कम होगी क्योंकि इनकी वेवलेंथ बहुत ज़्यादा होती है। अब सवाल ये है कि माइक्रो रेडियो आपको दे रखा क्या। तो आप देखें अल्ट्रा वायलेट, गामा, माइक्रोवेव आपको दे रखा, रेडियो नहीं दे रखा। अगर रेडियो दे रखा होता तो रेडियो आंसर होता, बट यहाँ पर माइक्रोवेव दे रखा, तो सेकंड मिनिमम फ्रीक्वेंसी वाली वेव है माइक्रोवेव, तो इसलिए आंसर हो जाएगा माइक्रोवेव। 2022 के अंदर ये क्वेश्चन पूछा गया, इसको रट मत लेना कि माइक्रोवेव ही होती है। अगर यहाँ रेडियो वेव का ऑप्शन होता तो रेडियो वेव हो जाती, ठीक है। तो समझने की कोशिश करना, इसका जो आंसर है वो सच में यहाँ से निकल रहा है। ये जो मैंने लिख रखा ऑर्डर यहाँ से निकल रहा है, तो यहाँ से बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं, ये वाला क्वेश्चन भी वहीं से बना। थैंक यू सो मच।